स्टूडेंट वंस अगेन आई वेलकम यू इन दिस सच्चिदानंद अडानी चैनल। स्टूडेंट ये इंग्लिश क्लास 11 आप देख रहे हैं, ये एनुअल एग्जामिनेशन 2021 का ये पेपर है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था, 1 से 20 तक है, और इस पार्ट में इसके हम आगे के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसे जो लोग नहीं देखे हैं वैसे ही जा करके देख लें स्टूडेंट, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बार पुनः इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड इट इज 20। अब सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आंसर इसको हम चेक करवाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट चेक करेंगे, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, यानी दादी माँ के लिए सबसे सुखद कौन सा समय होता था, दिन का सबसे जो प्रसन्नचित्त समय होता था, हैप्पीएस्ट टाइम। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर एक प्ले लिस्ट बना है इंग्लिश क्लास 11 का, ये अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ भी आइए चेक करते हैं। देखिए, ग्रैंड मदर सैट इन द बरामदा एट द इवनिंग टाइम ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स देन हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर विथ चर्पिंग। तो जैसे ही दादी माँ बरामदा में बैठ जाती थी और रोटियों को टुकड़े टुकड़े करने लगती थी, उस वक्त सैकड़ों सैकड़ों पक्षियाँ आकर के उनके आसपास बैठ जाती थी। सम बर्ड्स पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों पर, एंड ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधे पर, एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द फॉर द ग्रैंड मदर, यही सबसे खुशी का समय होता था उनके लिए। 21 का अथवा वाला चेक करेंगे, हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कौन किसने कहा था कि हमें डरना नहीं चाहिए यदि हम सभी लोग एक साथ हैं। तो द नरेटर्स सन जोनाथन सेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो जो नरेटर है, कथाकार है इस चैप्टर का, उसके जो बेटे थे जोनाथन जिसका नाम था, उसने कहा था कि हम सबको नहीं डरना चाहिए यदि हम सभी एक साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, हु डिस्कवर्ड टूट्स टाम्ब, जो टूट्स थे उसके टम्ब को किसने खोज किया था। तो हाउवर्ड कावर्ट थे, हाउवर्ड कावर्टर। तो डिस्कवरिंग टूट ये प्रोस का क्वेश्चन है, उसमें बताया गया कि जो हाउवर्ड कार्टर थे उन्होंने टूट के टम्ब का मकबरे का खोज किया था। 22 का अथवा वाला देखेंगे, हु वाज दाऊजी, तो दाऊजी कौन थे, उसमें बताया गया है कि जो दाऊजी थे चाइनीज पेंटर थे, वो दाऊजी वाज चाइनीज पेंटर ऑफ एंशियंट चाइना, करेक्ट, एक चित्रकार थे चाइना के। 23, हु इज द ऑथर ऑफ एलिंग प्लानेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, तो ये जो चैप्टर है एलिंग प्लानेट द ग्रीन मोमेंट्स, इसके ऑथर जो थे नानी फाल्की वाला थे। क्वेश्चन नंबर 24 चेक करेंगे, व्हाई वाज द गरो गैलिनियन ट्राइब फेमस फॉर, तो ये क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री का समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से है, जिसमें मुराद और औरम किस प्रकार से घोड़े को लेकर के चलते हैं, तो उसी चैप्टर का है। गरो गैलिनियन ट्राइब जो था वह एक ईमानदार ऑनेस्टी फेमस फॉर ऑनेस्टी, ईमानदार के लिए, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था गरो गैलिनियन जो ट्राइब थी, संगठन थी। तो गरो गैलिनियन जो कबीला था वो अपनी ईमानदारी के लिए जो प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 का ये देखें, अथवा का, व्हाई हैड द आथर कम टू विजिट मिसेस डार्लिंग, तो जो मिसेस डार्लिंग के पते पर जो आथर थे, कवि थे, वो क्यों आए, कैसे आए थे। तो यह क्वेश्चन एड्रेस चैप्टर का स्टूडेंट, उसमें जो मार्ग मिनको हैं, देखें, द आथर मार्ग मिनको हैड कम टू विजिट मिसेस डार्लिंग बिकॉज सी वॉन्टेड टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वार इन हॉलैंड, तो हॉलैंड में युद्ध के बाद उनकी जो मदर हुआ करती थी, उनके उनसे संबंधित जो बिलोंगिंग्स थी, वस्तुएँ थी, उनको देखने के लिए जो लेखक मार्ग मिनको थी वो आई हुई थी उस पते पर, वहाँ पर उस स्ट्रीट में मिसेस डार्लिंग के पते पर। नोट कर लेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, व्हाई वाज रंगाज होम कमिंग अ बिग इवेंट, चेक करें, तो बंगलोर से जब रंगा आया था तो सबसे बड़ी घटना क्यों थी, ये देखेंगे, रंगाज होम कमिंग वाज अ बिग इवेंट, बड़ी घटना थी, बिकॉज द इंग्लिश वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन होसाली विलेज, उस समय होसाली जो गांव हुआ करता था इंग्लिश का उतना बुलबाला था, उतना फैला नहीं था, विस्तारित नहीं था, बिफोर 10 ईयर्स एगो, 10 वर्ष पहले, एंड रंगा वाज ओनली सन ऑफ द अकाउंटेंट, एकमात्र उस लेखपाल का बेटा था, हु हैड टर्न्ड फ्रॉम बेंगलोर आफ्टर स्टडी, पढ़ाई के बाद लौटा था, और उसके लिए देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो रही थी, यही सबसे बड़ी इवेंट थी।
क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा का देखेंगे, व्हाट वाज अल्बर्ट्स थियरी ऑफ एजुकेशन। तो अल्बर्ट का क्या सिद्धांत था एजुकेशन के संदर्भ में? देखें, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट अल्बर्ट इट इज नॉट फैक्ट दैट मैटर्स बट आइडियाज। तो उसके अनुसार तथ्यों का नहीं बल्कि विचारों का महत्व होता है। ही डज नॉट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। और उसको कोई तथ्य नहीं नज़र आते थे, ये खास करके युद्धों के जो लड़ाइयों के जो डेट होते हैं, तारीखें होते हैं, उनको याद करने में उसको कोई तथ्य नज़र नहीं आते। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, व्हाट द पोएट इन द पोएम द चाइल्डहुड कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक। तो जो कवि हैं उनको ये जो कविता है चाइल्डहुड, इसमें क्या ज्योग्राफी की किताब में क्या नहीं वो पा सके? तो चेक करें, ये द पोएट कुड नॉट फाइंड हेल एंड हिवेन इन द ज्योग्राफी बुक। जो स्वर्ग और नरक है वो ज्योग्राफी किताब में उनको नहीं मिल सका उस पोएम में। 26 का अथवा देखें, हु इज़ द पोएट ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन। तो वाल्ट व्हिटमैन है इसके कवि, ये आपके पोएम से दिया गया है। वाल्ट व्हिटमैन इज द पोएट ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, चेंज करना है इसको, इनडायरेक्ट में आपको बनाना है। ग्रामर से दिया, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। देख रहे हैं, उसने बोला कि जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है। तो जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, जो सत्य वाली चीज़ें हैं, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्टिव लगाया नहीं, तो सेड का सेड होगा। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंटोनिम, साइनोनिम, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस सब कवर है हमारे चैनल में, जाकर के चेक करेंगे। हाँ, यहाँ से देखेंगे, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। 27 का ये अथवा वाला चेक करेंगे, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, ये देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है। आई सेड टू हिम, सेड के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा है, इसलिए आस्ड हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को हटा करके आस्ड कर दिया जाता है। तो आई आस्ड हिम इफ ही वॉज गोइंग, देखें नोट कर लेंगे, आई आस्ड हिम इफ ही वॉज गोइंग, टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये देखें, सिंथेसिस करना है, ये भी सिंपल सेंटेंस में आपको बनाना है। आई फाउंड माई पेन इट वॉज लास्ट, मैंने अपने पेन को पाया और यह खो गई थी। तो आई फाउंड माई लास्ट पेन, यहाँ पर जानते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके इसको सिंथेसिस कर लिया जाएगा सिंपल सेंटेंस में, जो रूल हमने बता रखा है उसका यही हो जाएगा, आई फाउंड माई लास्ट पेन। यहाँ जो लास्ट है ना, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है और ये जो पेन है वो उसको लास्ट में रखा गया है। 28 का सेकंड देखेंगे, आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, इसको भी सिंपल सेंटेंस में बनाना है। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का सब्जेक्ट जो है आई आई, दोनों सेंटेंसों का एक ही सिंथेसिस करना है। तो यहाँ पर यदि सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर इज ऐसा लगा हो, तो यहाँ पर हम लोग बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, देखें तो क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, यहाँ पर अर्धविराम लगा देंगे। ठीक है, भूखे होने के कारण मैंने अपना भोजन लिया। 29 है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रिमूव टू, टू को हटा करके ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ही इज़ टू ओल्ड टू रन, माने वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। तो इसको बताया गया है कि टू को हटाना है, सो को लगाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, इसका रूल हमने बता रखा है कि यहाँ पर टू को हटा करके हम लोग इज के बाद सो लगाते हैं और एडजेक्टिव लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद तुरंत यही जो सब्जेक्ट है यहाँ रख करके कैन नॉट लगा दिया जाता है इसमें। इसी प्रकार से सेकंड वाला दिया, हीज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, चेक करेंगे यहाँ पर फार का प्रयोग किया। तो जिस सेंटेंस में लास्ट में टू भी हो और फार भी हो, तो इसका थोड़ा सा परिवर्तन करना है, हीज सारो इज सो डीप हो जाएगा, सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, इतना दुखित है कि उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता आंसुओं में। तो उसकी एक्सप्रेस वाले व्यक्त करना होता है इन टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये दोनों दो वाक्य हैं ये गलत हैं, इसको सही करना है, करेक्ट करना है। इंग्लिश इज अ ईजी लैंग्वेज, यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश इज ए ई आई ओ यू, जो भी स्वर होता है इसके पहले एन लगता है, ए नहीं, तो यहाँ पर एन का प्रयोग कर देना है। दूसरा में जो सन, जो एक चीज़ होती है उसके पहले हम लोग द लगाते हैं और दिशा के नाम के पहले भी द प्रयोग करते हैं, तो द सन सेट इन द वेस्ट होना चाहिए था। ठीक, तो इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज, एन होगा और यहाँ पर द लग जाएगा, यहाँ भी इन द वेस्ट द लग जाएगा वेस्ट से पहले। क्वेश्चन नंबर ये जो 31 है, 32, 33, ये हमारे चैनल पर अपलोड है, इसको चेक कर लेंगे। बड़ा क्वेश्चन, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप, जो मित्रता का टर्निंग पॉइंट था वो क्या था उस पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर में, उसमें आपको बताया जा चुका है। फिर रंगा और रत्ना में किस प्रकार से वो झलक एक दूसरे को देखे, ये भी बताया गया है। ठीक है, ये एप्लीकेशन कर लेना है, यहाँ पर ये देखिए सेंट्रल आइडिया है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन है कवर किया गया है, देख लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।